इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर एक बार फिर से सीरत पर पूरा परिवार और कार्तिक भी नाराज होने वाला है। दरअसल सीरत की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स अभी तो गलत आई हैं और उसे पता चला है कि उसे वापस से टेस्ट करवाने हैं और डॉक्टर उसे वापस हॉस्पिटल बुलाना चाहती है। तो दूसरी तरफ कार्तिक को बताने के लिए सीरत एक लेटर लिखती है और उसे माफ़ी भी मांगती है, लेकिन उसका वो गलत ही मतलब निकाल लेता है। घर आकर सब घर वालों को बता देता है कि वो सीरत प्रेग्नेंट है, लेकिन सुरेखा उसे भड़का देती है कि शायद वो इस बच्चे को नहीं रखना चाहती क्योंकि वो इसके इंटरनेशनल्स है ना, तो वो बॉक्सिंग खेलना चाहती है और इसीलिए वो हॉस्पिटल गई है ताकि बच्चे को ना रख सके। तो वही घर वाले भड़क जाते हैं कि लो अब हमसे पहले तो सच छुपाया और उसके बाद ने अब ये अपने आप ही फैसला ले लिया। और लेटर में भी वो कुछ गलत लिखती, वो कहती है कि मैंने शायद छुपाने वाली बात आपसे छुपा कर अकेले फैसला लेकर गलत किया, लेकिन कार्तिक उसे गलत समझ बैठता है लिखे हुए को। और उसके बाद में कार्तिक सीरत के इस फैसले पर गुस्सा हो जाता है। सीरत लौट कर घर आती है तो बताती है कि बच्चा तो कभी था ही नहीं, जबकि घर वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते और कार्तिक भी उस पर यकीन नहीं करता और तगड़ा ट्विस्ट शो में आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आएगा जहाँ पर सीरत घर छोड़कर चली जाएगी और एक बार फिर से हिस्ट्री रिपीट होगी। यानी कि जिस तरह से नायरा चली गई थी, सीरत भी अविश्वास नहीं होने की वजह से घर छोड़कर चली जाएगी और इस पर अक्षु और कायरव अलग हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ सीरत की बेटी अलग ही होगी। यानी कि अब इन तीनों भाई बहनों का मिलन लेप के बाद दिखाया जाएगा। तो कहानी अब लीप के बाद में शुरू होने वाली है और एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी आएगा। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब तीनों भाई बहनों का मिलन किस तरह से होता है और कैसे अब कहानी आगे बढ़ती है। तो सीरियल में 20 साल का लीप दिखाया जाएगा और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कभी भी कायरव अपनी सीरत माँ को ढूंढते नजर आएगा। अब देखना है कि सीरत माँ और कार्तिक दोनों के ही चेहरे बदल चुके हैं, यानी लीप के बाद में पूरी कास्ट ही बदल जाएगी और कैसे अब इनका 20 साल बाद में मिलन होता है।